हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लास वेयर वी आर डिस्कसिंग द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, राइट। तो इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे पिछले वीडियो के लिए जिसमें मैंने अनाउंस किया था फ्री कोर्स फॉर सीए फाउंडेशन, जिसके अंदर आई विल बी टेकिंग अप इकोनॉमिक्स फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। और दूसरा कोर्स मैंने अनाउंस किया था ऑडिट का फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स, राइट। इसके लिए आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि ये होने वाला है फ्री, फॉर द फर्स्ट टाइम फ्री लाइव कोर्स होने वाला है। और इसी के साथ मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि आने वाले टाइम में, एक दो दिन में, आई एम गोइंग टू मेक वेरी ह्यूज अनाउंसमेंट फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स, राइट। और जिसमें हम मोस्ट ऑफ़ द कोर्सेज को लाइव क्लासेस के ज़रिए कवर करने वाले हैं, और बहुत ही, या तो उसमें हम बिल्कुल फ्री रखेंगे उसको, या फिर छोटा सा कंट्रीब्यूशन लेंगे आपके, आप लोगों से रजिस्ट्रेशन चार्ज थोड़ा सा, एंड इट विल बी लॉन्चिंग लाइव क्लासेस फॉर यू गाइस, ओके। तो ये और भी अनाउंसमेंट होने वाले हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं, जो आपके भाई बहन हैं, उन सबको चैनल का लिंक फॉरवर्ड करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम डालते हैं तो आपको उसका पता चल सके। और साथ ही आप लोगों से कहूँगा कि आप नीचे कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, लाइक करें वीडियोस को, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइज, ओके। और ये आप सबका प्यार ही होता है कि मैं बार बार आकर के आपसे इतनी सारी बातें करता हूँ, राइट। तो ये चैनल किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, सीए स्टूडेंट्स तो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं ही, राइट, और भी अपने दोस्तों को इसमें जोड़िए मेरे साथ, राइट। उसके अलावा जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर जैसे कि अपने स्कूल के कॉमर्स के स्टूडेंट्स आ गए, उनके लिए भी कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं। और स्कूल के बाद जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि ये टॉपिक अब हम जैसे पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उन सबको भी आप अपने साथ जोड़ें, और वैसे भी आप बहुत चीज़ें शेयर करते रहते हैं, तो इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें हमारे को, हमारे काम को, हमें अच्छा लगता है, हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, राइट। तो इतनी बातें कहनी थी, चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ब्यूटीफुल चार्ट दिया है, जिसके अंदर उन्होंने क्लासिफिकेशन डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज को बताया, इनकॉर्पोरेटेड हो सकती है, अनइनकॉर्पोरेटेड तो कोई कंपनी होगी नहीं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद इनकॉर्पोरेट के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है, अरे कंपनी की परिभाषा में रजिस्टर्ड कंपनी दी गई थी, स्टैट्यूटरी कंपनी, किसी कानून के तहत बनी हुई कंपनी। मैं आपको बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ इस चार्ट का, और इसे हम आगे नीचे समझेंगे, ठीक है, पैराग्राफ्स के अंदर, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कैसी हो सकती है, अरे लिमिटेड कंपनी तो लिमिटेड ही, तो अरे यही तो फीचर है जिसके जिसकी वजह से जो कंपनी का कंसेप्ट है उसका बर्थ हुआ, ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइबिलिटी होती है, इट इज़ नॉट लिमिटेड, ओके, लेकिन कंपनी के अंदर इट इज़ लिमिटेड। लिमिटेड कंपनी के साथ साथ अनलिमिटेड कंपनीज भी होती हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल दे कैन बी डिवाइडेड, ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी, जो अनलिमिटेड कंपनीज हैं वो गारंटी वाली कंपनीज होंगी, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, सॉरी अनलिमिटेड कंपनीज होंगी वो गारंटी वाली कंपनीज नहीं होंगी, मैंने गलत बोल दिया, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती हैं, राइट। सो दो लिमिटेड कंपनीज की जो डेफिनेशन है, दो चीज़ें उसमें हो सकती हैं, एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स और दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, राइट। वो पहला एक पॉइंट मेरे से गलत हो गया था, ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी दो तरीके से बन सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। बात समझ में आ गई, क्लियर एंड परफेक्ट, राइट, कूल। चलिए अब इसमें शेयर कैपिटल वाली कंपनी हो सकती है, विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी हो सकती है, शेयर कैपिटल वाली कंपनी गारंटी के केस में भी शेयर कैपिटल वाली कंपनी हो सकती है, गारंटी के केस में विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी भी हो सकती है, और ये प्राइवेट और पब्लिक तो हो ही सकती हैं, राइट। अनलिमिटेड कंपनी में भी विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल कंपनीज हो सकती हैं, आइए आगे हम इनको और देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर बेसिक दिया हुआ है कि इतनी क्लासेस कंपनीज की क्यों हुई, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस बढ़ गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज आने लगी मार्केट के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है, तो इसकी वजह से डिफरेंट कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे को देखने को मिलती हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट में अलग अलग तरीके की कंपनीज को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स उनमें कितने हैं,
ठीक है, लाइबिलिटी के हिसाब से, कंट्रोल के हिसाब से, ठीक है, लिमिट अनलिमिटेड कंपनी, ये सब लाइबिलिटी के हिसाब से हो गई, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से हो गई, ओके। और डिफरेंट टाइप से भी इसको क्लासिफाई किया, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, ओके, कंपनी फॉर्म फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो जैसे कि आप लोग क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर पढ़ते थे, एनपीओ, ठीक है, दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फॉर्म्ड फॉर टू सर्व द ऑब्जेक्ट ऑफ, टू सर्व सोशल ऑब्जेक्टिव, कल्चरल ऑब्जेक्टिव, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव, ओके। तो इन ऑब्जेक्ट्स को सर्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो अगर ये कंपनी की तरह रजिस्टर हो जाएंगी, तो दीज आर कंपनीज फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, आर यू गेटिंग इट? उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोशल, चैरिटेबल या फिर रिलीजियस पर्पस, ओके। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हम अगर कंपनी की बात करें, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ओके, सेक्शन 222। अब देखिए, 222 को याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप सिंपल लिख सकते हैं, सेक्शन 2, दो सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस होती हैं, राइट, ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस दैट व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एमओए जो है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, उसने कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी को क्या कर दिया, लिमिट, ओके, अनपेड ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम, ठीक है, जो अनपेड अमाउंट है उनकी शेयर कैपिटल के ऊपर, ओके, शेयर जो उनके हैं उसके ऊपर अनपेड अमाउंट तक जो है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, और ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब कंपनी की जो कैपिटल है उसको डिवाइड कर दिया किसमें, शेयर्स के अंदर, किसके अंदर, शेयर्स के अंदर, हर शेयर की कुछ वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, और उस फेस वैल्यू में से जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया वो तो ठीक, वो तो पेड अप कैपिटल का पार्ट, जितना नहीं पे पे किया, ठीक है, वो उसकी लाइबिलिटी है, मतलब कंपनी चाहे बिकने की नौबत आ जाए तो शेयर होल्डर से हम अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल का ही पैसा मांग सकते हैं, ये कंसेप्ट होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, राइट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का, ठीक है। इट थस इंप्लाइज दैट फॉर मीटिंग द डेट्स ऑफ द कंपनी द शेयर होल्डर मे बी कॉल्ड अपॉन टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट विच रिमेन्स अनपेड ऑन द शेयर होल्डिंग्स, मैंने आपको बता दिया, हिज सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एनकम्पास्ड टू मीट दी कंपनीज डेट, उसकी घर की प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जाएगा कंपनी के डेट को पे करने के लिए, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको मार्क कर लीजिएगा अपनी किताब में जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इट मे बी वर्थ वाइल टू नो दैट दो अ शेयर होल्डर इज को ओनर ऑफ द कंपनी, ओके, शेयर होल्डर जो है वो क्या है, कंपनी का मालिक है, ऑफ द कंपनी ही इज नॉट अ को ओनर ऑफ द कंपनीज असेट, अरे कंपनी के असेट तो कंपनी के हैं, क्यों है कंपनी के, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है, कंपनी अलग, उसके शेयर होल्डर अलग, द ओनरशिप ऑफ द असेट्स रिमेन्स विद द कंपनी, ओनरशिप ऑफ असेट्स किसके साथ रहती है, कंपनी के पास, बिकॉज ऑफ अ नेचर ऑफ एज अ, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर एज अ लीगल पर्सन, सर सर कंपनी जो है वो तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने शेयर होल्डर से अलग है, द एक्सटेंट ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ शेयर होल्डर एज अ को ओनर इज मेजर्ड बाय हिज शेयर होल्डिंग, अरे एक ऐसी लाइन पहले भी थी, आप मुझे बताएंगे, मैंने पहले की क्लासेस में भी एक ऐसी लाइन आई थी, पुरानी क्लासेस में मैंने अंडरलाइन कराई थी, बहुत ही अच्छे से समझाया था, तो यहां पर यही वही बात रिपीट हो रही है जो वहां पर हुई थी, कि एक शेयर होल्डर की जो वर्थ है वो उसकी शेयर होल्डिंग से देखी जाती है, ना कि उसके कंट्रोल ओवर असेट से देखी जाती है, उसकी कंट्रोल ओवर शेयर होल्डिंग से देखी जाती है, ना कि कंट्रोल ओवर कंपनी से देखी जाती है, कंट्रोल ओवर शेयर होल्डिंग से देखी जाती है, राइट। तो यहां पे भी यही बात इसको वापस से समझाया गया है कि कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग, कंपनी के दुख कंपनी के सुख कंपनी के, शेयर होल्डर के दुख शेयर होल्डर के, और शेयर होल्डर के सुख शेयर होल्डर के, लेकिन शेयर होल्डर का जो कंपनी में राइट है वो ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर कैपिटल होगा, राइट। तो ये बात हो गई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। अब देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, राइट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर इन्होंने बोला सेक्शन 221 शेयर्स में, 222, दो तीन दफा पढ़ेंगे आपको सेक्शन नंबर वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा जोर लगा करके दिमाग को याद करने की कोशिश मत करना, एक दो दफा सुनोगे अपने आप याद हो जाएगा। डिफाइंस इट एज अ कंपनी हैविंग लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स मे रिस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बींग वाउंड अप, ठीक है, कंपनी जिस दिन बंद होगी उस दिन जब वो कंपनी के मेंबर बने थे, ठीक
ठीक है, जब शेयर होल्डर, जब मेंबर्स कंपनी से जुड़े थे उस दिन मेंबर्स ने कुछ अमाउंट गारंटी कर दिया था। क्या गारंटी कर दिया था? कि जब जिस दिन कंपनी बंद होगी, जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन हम गारंटीड अमाउंट देने आ जाएंगे। थस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द गारंटी कंपनी इज लिमिटेड अप टू अ स्टिपुलेटेड सम मेंशनड इन दी मेमोरेंडम। और ये चीज कहां लिख दी? मेमोरेंडम में, कि इन मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो जो इनके गारंटीड सम के बराबर है, जिस दिन कंपनी का बिजनेस खत्म होगा, वाउंड अप होगी, उस दिन मेंबर्स को बुला लेना। ओके, और वो स्टिपुलेटेड सम जो उन्होंने बात कही थी गारंटीड अमाउंट की, वो पे करने आ जाएंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब देखिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो भी एक लिमिटेड कंपनी है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो भी एक लिमिटेड कंपनी है। इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, आइए देखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। कॉमन फीचर्स की बात करते हैं। दोनों लीगल पर्सनैलिटी हैं, मतलब कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग, गारंटी वाले अलग। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी दोनों की है। अरे उसमें अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल तक लिमिटेड है, यहां पे जितना उसने गारंटीड कर दिया, गारंटी कर दिया मेमोरेंडम में, उतना उसका गारंटी तक लिमिटेड लायबिलिटी है। इन द लैटर केस द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट रिमेनिंग ऑन अनपेड शेयर्स। ये तो लिमिटेड बाय शेयर वाली की बात हो गई। ओके, बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट इन देयर मेमोरेंडम दैट मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी का, उसमें एक लाइबिलिटी क्लॉज होता है। ठीक है, उस लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर लिखा जाता है क्या, कि इस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो क्या है? लिमिटेड है। ओके, अब पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? टू टाइप्स ऑफ कंपनीज दैट इन द फॉर्मर केस द मेंबर्स में बी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज देयर लाइबिलिटी ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप एंड ओनली सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, बट इन द लेटर दे मे बी कॉल्ड अपॉन टू डू सो एनी टाइम ईदर ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम और ड्यूरिंग इट्स वाइंडिंग अप। अब बच्चे पूछेंगे, सर सर हमारे को ये बात समझ में नहीं आई, तो मेरी बात अब जो मैं बोलूँ वो ध्यान से सुनना। देखिए, हमने दो तरह की कंपनी पढ़ी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जो शेयर वाली कंपनी है, ठीक, उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी है, इट इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल बाय देम। शेयर होल्डर वाली कंपनी में अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अनपेड तक की उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, राइट? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, साइड में हटाओ। और ये जो अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है, इसको आप कब मंगा सकते हो, इसको कंपनी कब मंगा सकती है कि शेयर होल्डर आओ अनपेड पे करो और अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाओ, कब मंगा सकती है? ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कभी भी, जब उसका मन करेगा कंपनी शेयर होल्डर को बोलेगी कि तुम अपना अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल हमारे को पे करो और अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए साइड में हटाते हैं। अब ये जो गारंटी वाली कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसके मेमोरेंडम में, ठीक है, जब मेंबर बनने आया इसका कंपनी का, तो उसने लिखवा दिया कि हे कंपनी, जब तुम मरने जाओ, जब तुम वाइंड अप होने जाओ, तब मुझे बुला लेना, और मैं इतना अमाउंट लिख के जा रहा हूं, 100 रुपये लिख के जा रहा हूं, मैं उस समय आकर के तुम्हें कितने रुपए दे दूंगा? 100 रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा उस समय, कब? जब तुम मरने जाओगी। क्या अब ये कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इस व्यक्ति को बुला सकती है कि हे व्यक्ति आओ तुम मेरी मदद करो? नहीं, बोलेगी तुम मर रही हो? नहीं, मैं अभी नहीं मर रही। क्या तुम वाइंड अप हो रही हो? नहीं, मैं अभी वाइंड अप नहीं हो रही, तो ठीक है मैं जा रहा हूं। जब तुम वाइंड अप होगी, जब तुम अपना बिजनेस वाइंडिंग अप करोगे, उस समय मुझे बुलाना, उस समय मैं आऊंगा। तो लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर पूरी जिंदगी में कभी भी कंपनी बुला सकती है शेयर होल्डर को अपना लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, लेकिन जो गारंटी वाली कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसके अंदर जो है कंपनी नहीं बुला सकती शेयर होल्डर को, गारंटी जो जिसने गारंटी दी है उसे, मेंबर को, कब तक? जब तक कंपनी जो है वाइंडिंग अप में नहीं जाती। ओके, चलिए नेक्स्ट। इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गारंटी कंपनी दैट इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड्स फ्रॉम द मेंबर्स। ठीक है, अब देखिए कंपनी, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि कंपनी
को जो पैसा है शेयर जो गारंटी वाली कंपनी है उसमें मेंबर से पैसा कब मिलेगा, जब वो वाइंडिंग अप करेगी, मतलब डे टू डे वर्किंग के लिए उसे पैसा मेंबर से नहीं मिल रहा, अदर सोर्सेस से वो पैसा लेकर के आएगी, कहीं से लोन लेगी, कुछ और करेगी, डिबेंचर इशू करेगी, कुछ भी करेगी, वो अलग चीज करेगी, राइट? तो वो गारंटी वाली कंपनी काम करेगी, लेकिन जो शेयर वाली कंपनी है वो तो जब शेयर मार्केट में फ्लोट करेगी, जब मेंबर्स को शेयर्स देगी तो उनसे पैसा लेगी, राइट? तो सिंपल सी बात है, तो वो पैसा जो उसके पास आएगा वो किस लिए यूज होगा? कंपनी के बिजनेस करने के लिए। तो उसकी डे टू डे वर्किंग फंड्स में भी वो पैसा यूज किया जाएगा। देयरफोर सच कंपनी में बी यूजफुल ओनली व्हेन देयर इज नो वर्किंग फंड्स नीडेड और वेयर देयर फंड्स कैन बी हेल्प फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक एंडाउनमेंट फीस, चार्जेस, डोनेशन एटसेट्रा। ओके, तो ये बता रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो है वो कब यूजफुल होती है, जब वर्किंग फंड्स की जरूरत कम होती है या फिर जो वर्किंग फंड है वो अलग तरीके से अवेलेबल होता है। सर सर ये वर्किंग फंड, ये वर्किंग कैपिटल जो आप बोल रहे हो ये क्या है? अरे सिंपल सी बात है, कैपिटल का मतलब पैसा, कैपिटल मतलब पैसा, ठीक है? और वर्किंग का मतलब काम करने के लिए, जो डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल। सिंपल सा मीनिंग बताया मैंने आपको, टेक्निकल इसको मत लेके जाना, सिंपल। रोजमर्रा का बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए वो है वर्किंग कैपिटल, ठीक है? ठीक है, अब कुछ बच्चे ज्यादा भावुक हो ना हो जाए, ठीक है, जनरल मीनिंग बता रहा हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है? टेक्निकल चीजें और अलग और इससे डीप हो सकती हैं, ठीक है? मुझसे इस बारे में बहस मत करना, ठीक है? ये बेसिक मीनिंग मैंने समझाया है, फाउंडेशन की क्लास में आप लोग बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने वाले बच्चे हो सकता है साइंस बैकग्राउंड के हो सकता है आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हों, राइट? तो बहस ना करें, पढ़ाई करें, राइट? दैट इन द केस ऑफ नरेंद्र कुमार अग्रवाल एंड सरोज मालू क्या हुआ था कि एक गारंटी कंपनी जो होती है, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि गारंटी कंपनी नॉर्मल कंपनी से बहुत अलग है, ठीक है? और ये जनरल केसेस में गारंटी कंपनी फॉर्म नहीं होगी, ठीक? इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग तरीकों से मिलती है, जैसे कि डोनेशन से मिल जाएगी, कहीं और से मिल जाएगी, तो वो अपने शेयर होल्डर से पैसा उस टाइम पे नहीं लेती, लेकिन जब वो वाइंड अप होने वाली होती है तब वो अपने शेयर होल्डर से पैसा लेती है। तो तब वो शेयर होल्डर से पैसा लेती है। तो इस पर्टिकुलर केस में हुआ ये था कि किसी गारंटी कंपनी के शेयर होल्डर ने अपने शेयर को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस पर कंपनी ने ऑब्जेक्शन किया कि बिकॉज यू आर दी शेयर होल्डर ऑफ अ गारंटी कंपनी, आपके जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ कंपनी दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, और हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है, हमारा मेमोरेंडम जो है, वो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ट्रांसफ़र करेंगे अपने राइट इन योर शेयर, राइट इन योर राइट इन द कंपनी। ओके, तो इसीलिए, और जो नॉर्मल कंपनी होती है, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, उसमें जो शेयर होल्डर होता है वो अपने राइट को ट्रांसफ़र कर सकता है, और ये भी मेंशनड होता है कि इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट कंपनी, राइट? तो उसका ट्रांसफ़र का जो सारा प्रोसीजर है इट इज़ गिवन इन दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट कंपनी। लेकिन एक गारंटी कंपनी, क्योंकि इट इज़ गिविंग स्पेशल प्रिविलेजेस टू इट्स मेंबर्स, तो आप सिंपली लिख लीजिए अपनी किताब में कि बिकॉज अ गारंटी कंपनी गिव्स स्पेशल प्रिविलेजेस टू इट्स मेंबर्स, देयरफॉर द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर इन दी गारंटी कंपनी बाय द मेंबर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय दी गारंटी कंपनी एंड इट इज द सेम हैज़ बीन स्टेटेड इन दी केस ऑफ नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो दिस वॉज अ केस। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है बट स्टिल वी हैव डिस्कस्ड इट। ओके, कंपनी की बात हम करते हैं अब। अनलिमिटेड कंपनी क्या है? देखिए, कंपनी का जो कंसेप्ट मैंने पहले भी बता दिया आपको कि आया था इसीलिए कि लिमिटेड लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है इसको देखने के लिए, बताने के लिए, ठीक है? जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? तो अनलिमिटेड कंपनी क्या है? सेक्शन 292 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस अनलिमिटेड कंपनी एज अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। उसके मेंबर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। इन सच अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेज वेन ही सीजेज टू बी अ मेंबर। उसकी लायबिलिटी तब तक है जब तक वो उस कंपनी का मेंबर है, जब वो मेंबर नहीं रहा तो उसकी लायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, राइट? चलिए, द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट्स एंड लायबिलिटीज बट ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म अदर देन मेंबर्स। इन केस द कंपनी हैज शेयर कैपिटल द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट
द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ ईच शेयर सो लॉन्ग एज द कंपनी इज गोइंग कंसर्न द लाइबिलिटी ऑन द शेयर इज ओनली लाइबिलिटी विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कंपनी. जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है, सर ये गोइंग कंसर्न क्या होता है? सर आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न क्या होता है. क्या होता है गोइंग कंसर्न मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना डीपली, लेकिन मैं तो यहां पे यही बताऊंगा आपको गोइंग कंसर्न के लिए कि गोइंग कंसर्न जो एक फ्यूचर डेट के लिए हम देख कह सकें कि ये बिजनेस जो है अगले फाइनेंशियल ईयर भी चलेगा, अगले भी चलेगा, अगले भी चलेगा, अगले भी चलेगा, ऐसा करके हम कह सकें कि बिजनेस रनिंग है, गोइंग कंसर्न है, ठीक है, इस बिजनेस में खुद को सस्टेन करने की कैपेबिलिटी है, वो होता है गोइंग कंसर्न. ठीक है, जब तक बिजनेस गोइंग कंसर्न है तब तक तो कंपनी जो अनलिमिटेड कंपनी है वो शेयर कैपिटल से ज्यादा अमाउंट अपने शेयर होल्डर से नहीं मांग सकती. द क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑन द कंपनी फॉर देयर क्लेम्स. द ऑफिशियल लिक्विडेटर में कॉल द मेंबर्स ऑफ फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लाइबिलिटीज एंड डेट्स ऑफ द कंपनी विच कैन बी अनलिमिटेड. लेकिन जिस दिन कंपनी वाइंड अप होने जाएगी, जब क्रेडिटर्स क्लेम फाइल करेंगे, उस दिन के बाद से शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है, मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है, वो अनलिमिटेड हो जाएगी. नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. द लाइबिलिटी सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर. लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप. जब तक गोइंग कंसर्न है तब तक लाइबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड. मेंबर्स कैन बी कॉल्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब वाइंडिंग अप होगी तब उस टाइम पे मेंबर्स को जो है उनके घर के बर्तन भी बेचे जा सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटी. जो पूरी डेट और लाइबिलिटी है उसके हिसाब से ही मेंबर्स की लाइबिलिटी डिसाइड होगी. हाउएवर ही कैन क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स. ऑब्वियसली सभी मेंबर जो हैं वो बराबर के ऐसे भागीदार बनेंगे, राइट. जब कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा तब उस समय सभी मेंबर से जो है कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाएगा. आर यू गेटिंग इट? राइट, ठीक है. इसके बाद अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमारे पास आती है वन पर्सन कंपनी. ओके, वन पर्सन कंपनी के बाद हमारे पास आती है प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी के बाद हमारे पास आती है पब्लिक कंपनी. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज अभी और बची हैं जिनको कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इस क्लास में हमने डिस्कस करी आपसे इंपॉर्टेंट कंपनीज, ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल हमने डिस्कस किया. आगे ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, इसमें एक दो क्लास और लग जाएंगी, राइट. तो ये हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. और प्लीज़ अपना ध्यान रखें. सबसे पहले तो खूब सारा पानी पिएं, अच्छे से खाना खाएं, पढ़ाई करें, और दूसरी बात जो है चैनल को सब्सक्राइब करें. अमेजिंग अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत सारा शेयर करें, ठीक है. आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग आपके लिए इतना सब कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं. थैंक यू, हैव एन ऑसम डे. और आप लोग बड़े अमेजिंग लोग हैं. ओके, एंजॉय.